रात को ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की तलाश। बाघ से बचने के लिए मुनादी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक टाइगर वन क्षेत्र से निकलकर नदी किनारे होता हुआ रात के अंधेरे में दिखा तेंदुआ। जानवरों से परेशान लोगों का प्रदर्शन। जंगली भालुओं की दहशत। जंगली जानवरों के आतंक की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। इनसे इंसान परेशान है क्योंकि बस्ती में आकर ये जानवर उत्पात मचा रहे हैं, जान ले रहे हैं और लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बहराइच में सोमवार को अमावस की रात थी। लोग सचेत थे बावजूद इसके। गिरधरपुरवा गांव में 5 साल की बच्ची पर भेड़िये ने हमला कर दिया जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गई। वन विभाग के मुताबिक 2 भेड़िये हैं जो बहराइच के करीब 50 किलोमीटर के इलाके में 2 महीनों से दहशत और मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। इन 2 महीनों में इन आदमखोरों ने 10 लोगों की जान ले ली। इनमें 9 तो बच्चे ही हैं। बावजूद इसके वन मंत्री कह रहे हैं कि पिछले साल से स्थिति बेहतर है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतजार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। सवाल ये, जब स्थिति बेहतर है तो फिर वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या वन विभाग और स्थानीय प्रशासन और लोगों की मौत का इंतजार कर रहा है? पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है, जो ड्रोन्स वगैरह की मदद ली जा रही है। जगह जगह जहाँ मतलब ऐसे पोजीशंस जहाँ पे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे लगा भी रहे हैं, जो केजेज वगैरह लगाया है। मैं यही गुजारिश करूँगा कि सावधानी ही मतलब इस समय जो है असली आवश्यकता है। और देखिए वो वन्य जीव जो भी हैं वो मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी मतलब किसी पर अटैक करता है, अदरवाइज आदमी से डरते हैं वो भी। जनता को प्रशासन सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है लेकिन बच्चों की मौत को प्रशासन रोक नहीं पा रहा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक श्रीवास्तव कई दिनों से लगातार बहराइच के गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे रात के अंधेरे में लोग रखवाली कर रहे हैं। भेड़िया का आतंक फैला हुआ है, भेड़िया का डर नहीं आप लोगों को? तो भेड़िया का डर भाई तो लेकिन 3 बजे घर का ये भेड़िया के डर में 5 बीघा धान चढ़ गया। भेड़िया के डर से घर में गए, 5 बीघा धान बर्बाद हो गया, ये भी समस्या है। हाँ भाई यही समस्या है, इसलिए हम लोग अकेले अकेले नहीं रहते। अच्छा, इसलिए अकेले नहीं रहते। हाँ, मतलब भेड़िया का डर भी है, खेत भी बचाना है। ये 10-15 आदमी साथ में रहते हैं, पल्ला बंद कर देते, पंखा चला देते, बच्चे उसके अंदर रहते और गार्जियन बाहर रहते। सड़क पर खूब अंधेरा है और उस अंधेरे में जंगली जानवर भी घूम रहे हैं। रात की रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम को सियारों का झुंड दिख गया। इसी तरह से जंगली जानवर खेतों से होते हुए गांव में आते हैं, भेड़िया भी इसी तरह से आता होगा और आतंक मचाकर चला जाता होगा। रात के इसी अंधेरे में हाथ में बंदूक लिए भेड़िये की तलाश में निकले हैं स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह। विधायक लोगों को हौसला दे रहे हैं और गांव वालों को सतर्क कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कैसे घूमने। हाँ बिल्कुल। कितने बजे रात तक घूमते हैं? अब
चार बज जाता है, 4:30 बज जाता है, 3 बज जाता है। जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं कि कहीं देखा गया तो वहां हम लोग भी भाग के पहुंचते हैं, और जिधर से निकलते हैं देखते हैं कि कोई बच्चा या महिला बाहर सोई है तो उसको जगा करके घर के अंदर भेजने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि एक भी नागरिक को कोई खरोंच ना आवे, इसीलिए रात दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी विधायक पिछले कई दिनों से यूं ही बंदूक लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं ताकि लोग अकेला महसूस ना करें। प्रशासन के मुताबिक बहराइच में कुल 6 भेड़िये घूम रहे थे, जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जो 2 बचे वो दोनों भेड़िये लगातार कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर हमले कर रहे हैं। जून महीने में भेड़ियों ने पहला हमला किया, उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है, और जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक लगता नहीं कि हमले रुकेंगे। बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक चल ही रहा था कि अब बाराबंकी से भी खबर आ गई है। बताया जा रहा है कि खूंखार भेड़िये ने बकरी चराने गई 2 बच्चियों पर हमला कर दिया, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जैतपुर थाने के गोछौरा गांव की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।